कल शाम को एक नया भजन रिलीज कर रहे हैं, सुना दूं। और तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से खाटू आ गया, और जो हर हफ्ता जाने की इच्छा रखते हैं वो कौन से हैं? दोनों हाथ खोल के गाना, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया, रिंगस से फिर खाटू तक, रिंगस से फिर खाटू तक। कभी भी कोई कहे ना कितना किलोमीटर है खाटू, पेवा से कितना किलोमीटर है, यहां से कितना किलोमीटर है पेवा से? साढ़े चार सौ नहीं है, किसी को नहीं बताना 450, उसको बताना 433, 17 किलोमीटर कम बताया करो, क्योंकि 433 तक तो गाड़ी जाती है, उसके बाद सवारी पैदल जाती है। कौन कौन जाता है पैदल बाबा के दरबार में? घर से लेकर रिंगस तक, रिंगस से फिर खाटू तक, घर से लेकर रिंगस से फिर खाटू तक, चैन नहीं आता है बाबा तेरा पैड़ी चढ़ने तक, चैन नहीं आता है बाबा तेरा पैड़ी चढ़ने तक। मैं नाचू दरबार में ऐसे, फिर से फागुन आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से खाटू आ गया, फिर से देखो ये होते हैं दीवाने, ये होते हैं दीवाने जो स्क्रीन के पीछे नाच रहे हैं। भाई कोई लेना देना नहीं किसी से, बस मेरा बापा मैं बापे का, और तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से। अच्छा चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्की बात है? एक पैरा और सुनाता हूं। जब जब भी मैं सांवरे थोड़ा उदास हो जाता हूं, तुझसे मिलने खाटू वाले दौड़ा दौड़ा आता हूं, संग लेकर परिवार को अपने गाड़ी भर के आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया, फिर से अरे बाबा जो उठाए दोनों हाथ इन्हें खाटू फिर से बुला लेना हाथों हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाने वाली ये बात, 1 2 3 तेरी लो आ गया अब तो शाम।
शरणागत दोनों हाथ उठाकर होता है। जो खड़े हैं और बैठे हैं फर्क क्या होता है? कई बार खड़ा हुआ भगत दर्शनार्थी हो जाता है और दरबार में बैठा हुआ शरणार्थी हो जाता है। तो जो शरणार्थी बनकर आया वो बैठ जाए, जो दर्शनार्थी बनकर आया वो चाहे खड़ा रहे। लेकिन जो बाबा को अपने दिल की बात जैसे भी सुनाने आया है, दोनों हाथ उठाकर गाना, लो आ गया मैं शरण तेरी, लो जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना, दोनों हाथ उठाकर शरण में आ जाओ, बाबा की ताली बजाकर गाकर कह दो, जाने कहां कहां पर दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पर किया भरोसा उसने दगा दिया है, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शरण। बाबा ने रजिस्टर खोल दिया है अपना, जिसका हाथ उठा होगा उसकी प्रेजेंट लग जाएगी। ताली बजाओ जरा एक बार। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार। ये सांवरे इतनी जोर किया है कि पड़ोसी को भी चिंता हो जाए कि आज यही लेके जाएगा। जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार, पलकों का घर आपके घर में सोफा हो ना हो, बाबा चटाई पे बैठकर भोजन कर जाएगा। आपके पास महंगी गाड़ी हो ना हो, बाबा आपके साथ पैदल चला जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए भावना होनी चाहिए, बाबा आपका हाथ पकड़ के आपके घर चला जाएगा। ऐसा एक बहन मिली दिल्ली में, बोली कन्हैया जी दो बेटियां हैं, तीसरी भी बेटी मांगने गई थी लेकिन बाबा ने बेटा दे दिया। तभी उसकी 10 साल की बेटी खड़ी होके बोली, माँ मम्मा आप ऐसे मत बोलो, जब गए थे ना आपने तो बेटी मांगी थी, मैंने एक भाई मांगा था, बाबा ने आपकी नहीं बाबा ने मेरी सुन ली। तो जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों को आप साथ लेकर आए हो, क्या पता उनकी आवाज भी बाबा सुन लेता हो। भगवा, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार, पलकों का घर। किस किस का घर तैयार है, कौन कौन लेकर जाएगा? दोनों हाथ खोल कर कहना, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। पूछ लिया तुम कैसे ले जाओगे भाई, तो आवाज आई, और जिसकी लीले की सवारी है अपनी उससे पक्की यारी है। किस किस की पक्की यारी है? जिस
उसकी लीले की सवारी है, अपनी उससे पक्की यारी है। मैंने भी मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाने की कर ली तैयारी है। जो मना करोगे मैं ना मानूंगा, तेरा हाथ पकड़ के मैं तो लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। ताली बजाओ जरा। चाहे अपने लिए चुरमा कुटवा लो, ना मना करूंगा, लेकिन बोलोगे जा चल जा, जा चल जा, मैं ना मानूंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। अरे कोई कहे ना कि तेरी संपत्ति मैं रख लूं, कहना पूरी रख ले। कोई कहे नहीं देता, कहना दे। मेरा शाम मुझसे कैसे लेगा तू, जिसने सब दिया है वो कहां से ले लेगा मेरे से, वो तो मेरे हीमोग्लोबिन में है। मेरा अगर ब्लड ग्रुप चेक कराएगा तो उसमें से भी शाम ही आएगा, वो कहां से लेगा। मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, आपको जरूरत रही है, जो पीछे बैठे उन्हें भी जरूरत है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। मैं मानता हूं गजब मेरे, गजब मेरे, बाबा श्याम सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। देखो खड़े हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी, बैठ जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बनवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा, ये दुनिया की भीड़ क्यों जा रही है खाटू बताए? क्योंकि बाबा पहले खर्चा देता है, फिर अपने नाम की चर्चा देता है, और जब उसकी चर्चा करने लग जाते हो तो अपने होने का पर्चा देता है, आ जाता है सामने, किस किस का काम बनाने आया है बाबा। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बनवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा, झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तारे साथ मेरा रे, बाबा श्याम है गजब में। हाथ निराले से ठोक से
आजकल एक नई रिवायत चली हुई है, बाबा का बसंत पंचमी पे वस्त्र मिलता है पीले रंग का, जिसको मिल जाता है वो सोचता है मुझे सर्टिफिकेट मिल गया बड़े भगत का, और जिसके पास नहीं होता उसको दिखाता फिरता है तेरे पास है क्या।